नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और ओप्पो ने हाल ही में भारतीय बाजार में रेनो 6 सीरीज के अंदर दो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए थे। एक है रेनो 6 और एक है रेनो 6 प्रो, और आज हम आपको रेनो 6 की अनबॉक्सिंग दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस अनबॉक्सिंग को स्टार्ट किया जाए और उसके बाद हम इसके फर्स्ट इंप्रेशन पर नजर डालेंगे। अब आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, अब बारी आती है इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की। तो डिस्प्ले से पहले एक बार हम बैक पैनल पर नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड्स में आपको फ्लैट एजेस देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी सही लगते हैं, पकड़ने पे अच्छी ग्रिप मिलती है, ओवरऑल लुक भी काफ़ी शानदार है। कैमरा मॉड्यूल आप देखिए, बैक पैनल पर आपको पॉलीकार्बन कंस्ट्रक्शन जरूर मिल जाती है, लेकिन ये प्रीमियमनेस का आपको एहसास कराएगा। ओवरऑल एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला फ़ोन कंपनी ने लॉन्च किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक पैनल पर आपको रेक्टेंगल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है और ओप्पो की ब्रांडिंग नीचे की तरफ दी गई है। वहीं अब डिस्प्ले की ओर हम नजर डालते हैं, तो आपको बता दूं कि ओप्पो रेनो 6 में 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है विद अ पंच होल, जो कि कॉर्नर में और बहुत ही छोटा सा डिस्प्ले में आपको पंच होल देखने को मिलेगा। बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपको इरिटेट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि बेजल्स जो हैं बहुत ही स्लीक हैं, कहीं पर भी ऐसे बड़े बेजल्स नहीं दिए गए। नीचे चिन भी जो बहुत ही स्लीक सा चिन है, ऐसे आपको इरिटेशन नहीं होगी। जो डिस्प्ले है वो एमोलेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि कंपनी ने इसके डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी है, तो इस पर थोड़े स्क्रैचेस भी जो हैं वो दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले, जिनमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन नहीं दी होती, उसके मुकाबले थोड़े कम ही लगेंगे। इंटरनल्स पे गौर किया जाए तो फ़ोन में आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 चिपसेट, और ये इंडिया में डायमेंसिटी 900 चिपसेट चलने वाला पहला स्मार्टफोन है। साथ साथ फ़ोन में आपको 4300mAh की बैटरी मिलती है विद 65W चार्जिंग स्पीड। वही रैम स्टोरेज की बात की जाए तो फ़ोन में आपको 8GB रैम से 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जिसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इस रैम मॉडल की कीमत है 29,990 रुपये। इसके अलावा कंपनी ने कोई और वेरिएंट भारतीय बाजार में पेश नहीं किया। वही फ़ोन में आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है विद कलर ओएस 11 ऑन टॉप ऑफ इट, और कलर ओएस पहले के मुकाबले अब काफ़ी इंप्रूव भी हो चुका है, और ओवरऑल आपको एक अच्छा यूज़र इंटरफेस इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। कैमरा सेक्शन की बात की जाए तो मैं आपको बता चुका हूँ पीछे 3 रेयर कैमरा दिए गए हैं। जो प्राइमरी कैमरा है वो 64MP का है, इसके साथ साथ 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है और 2MP का मैक्रो सेंसर मिल जाता है। इनफैक्ट फ्रंट में आपको 32MP का शूटर मिल जाता है। तो यहाँ पे ज़रा अब हम कैमरा का डेमो देख लेते हैं पूरा। इधर आप देखिए कितने सारे इसमें आपको ढेरों फीचर्स मोर के ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। कैमरा जो है काफ़ी लोडेड है इस फ़ोन का, आपको कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाएंगे, जिस वजह से फ़ोन आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेनो 6 प्रो का मैंने डिटेल कैमरा टेस्ट बनाया था, जो कि मुझे काफ़ी शानदार लगा था, एंड आई एम श्योर कि ये भी काफ़ी सॉलिड होने वाला है। कैमरा वाइज आपको ये फ़ोन भी ज़रूर पसंद आने वाला है। यही नहीं, मैंने रेनो 6 का रेनो 6 प्रो के साथ भी कैमरा कंपैरिजन किया है, और मुझे इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। ओवरऑल कह सकते हैं कि रेनो 6 जो है वो भी कैमरा वाइज सॉलिड फ़ोन है। अब इसकी ओवरऑल फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन देखने के बाद आई एम श्योर कि ये फ़ोन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बट फिर भी अगर आप इसकी कोई भी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका पूरा डिटेल रिव्यू लेके आऊं और आपको बताऊं कि रेनो 6 अपने प्राइस ब्रैकेट में कैसा साबित होता है। एंड इनफैक्ट आपको कोई और वीडियो भी देखना है गेमिंग कंपैरिजन, कैमरा कंपैरिजन, प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन दिस इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट वी कैन मेक अनदर वीडियो फॉर यू, सो दैट यू कैन चूज द राइट फोन फॉर योरसेल्फ। तो चलिए हमेशा की तरह इस वीडियो खत्म करते हैं, और आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा की तरह ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।